हाय, आज जिस प्ले का हम रिव्यू कर रहे हैं उसका नाम है मन मायल। मन मायल इस वक्त हम टीवी से एयर हो रहा है। इसके प्राइमरी कैरेक्टर्स हैं हमजा अली अब्बासी और माया अली। बिफोर आई बिगिन दिस रिव्यू, मैं ये बात आपको बहुत अच्छी तरह बता देना चाहती हूँ कि मेरा हमजा अली अब्बासी से पॉलिटिकल ओपिनियन बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो जिस तरह की बातें करते हैं वो मुझे बिल्कुल ना समझ आती हैं, ना मैं उनसे एग्री करती हूँ। जितनी बातें समझ आती हैं उस पर अक्सर मैं उनका मजाक उड़ाती हूँ। मैंने जब मैं शाहिद आफरीदी देखी थी तो मुझे हमजा अली अब्बासी बहुत अच्छे लगे थे, लेकिन उसके बाद मैंने वार देखी। वार मुझे कोई खास पसंद नहीं आई थी, लेकिन वार के अंदर भी उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी थी, ऑलबियट उनका कैरेक्टर बहुत स्टूपिड था। तो हमजा अली अब्बासी ने जो अपनी पोलिटिकल और सोशल लेक्चर्स दिए हैं अपने पेजेस के ऊपर और अपने आई थिंक ट्विटर के ऊपर भी, आई डोंट नो इफ दैट्स हिज रियल अकाउंट or not, लेकिन वो बिल्कुल मेरे अग्रीमेंट में वो नहीं है। While reviewing this drama, Mann Mayal, I'm gonna completely keep this apart from how I feel about his personal views. Mann Mayal की जो स्टोरी है वो एक छोटे से शहर की है, और उस छोटे से शहर में एक बड़े से खानदान की एक छोटी सी बच्ची है जिसका नाम मनाहिल है और जिसको प्यार से मन्नू कहते हैं। ड्रामे का ओपनिंग बहुत खूबसूरत है, बहुत रोमांटिक है, बहुत उसके अंदर जो गलियों के अंदर से हमें एक छोटी सी प्यारी सी हीरोइन जो नज़र आती है उसका जो ओपनिंग है वो मुझे बहुत पसंद आया। इट इमीडिएटली ब्रिंग्स यू इन टू द वर्ल्ड ऑफ दिस ब्यूटिफुल गर्ल एंड हर टाइनी वरीज एंड क्वारल्स विद हर फैमिली। यू नो देयर सम प्लेस दैट जस्ट draw you in immediately and you don't need to think twice whether you will or will not be watching them. It's one of those plays, and I think that the cinematography and the production value and the title song is beautiful, and it immediately, like I said, brings you in. Itni cute isme ye cheez lagti hai ki kaise do teen mulaqaton mein bhi jo ye mohabbatein ho jati hain. Aajkal ki duniya badi tez hai aur mohabbatein jitni jaldi ho rahi hain utni jaldi khatam bhi ho rahi hain, lekin itni jaldi mohabbat hone pe kaise koi ekdam se kisi ko अपना सब कुछ कुर्बान करने पे तैयार हो जाता है। तो दैट्स समथिंग विच इज़ ब्यूटिफुल एंड इट्स नॉस्टैल्जिक। हमजा अली अब्बासी ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, लेकिन अगर वो उसको थोड़ा सा ट्वीक करें अपने इस एंग्री एंगस्टी एंड येट रोमांटिक एंड लविंग सॉर्ट ऑफ कैरेक्टर को, जिसमें ही ओनली हैज दिस वन एक्सप्रेशन दैट गोज लाइक दिस, तुम पढ़ो जल्दी पढ़ो, दिस एक्सप्रेशन नीड्स टू काइंड ऑफ चेंज अ लिटिल, मे बी ही कैन गो लाइक प्लीज जल्दी पढ़ लो, मे ब्रिंग अ लिटिल बिट ऑफ सॉफ्टनेस। मनाहिल भी कहती है कि मुझे वो लड़के अच्छे लगते हैं, मुझे वैसे अच्छे लगते हैं जो जिनका रोब बहुत हो। भाई रोब तो अब्बू जान का होता है, ये जो ये रोब वाली चीज़ है इट कैन ओनली बी एंडियरिंग टू अ पॉइंट आफ्टर विच यू कैन से के ओके नाउ दिस इज गेटिंग मोनोटोनस। सो आई गेस माई एडवाइस टू हमजा, आई डोंट नो इफ यू एवर वॉचेस दिस और इफ इट एवर गेट्स टू हिम, बट आई थिंक यू गाइस विल एग्री दैट द बेस्ट थिंग इज टू काइंड ऑफ यू नो चेंज इट अप अ लिटिल बिट, मे बी इट विल चेंज in the course of the next few episodes. I mean, it's only been a few episodes so far. Maha Ali looks beautiful. बहुत खूबसूरत लग रही है, बहुत प्यारी उसने एक्टिंग की है, और उसका जो एक यंग गर्ल वाला जो उसका इमेज है वो she plays it off well and you do buy it. बाकी सपोर्टिंग एक्टर्स हैं वो तो हैं ही बहुत मंझे हुए अदाकार, और उनका भी काम बहुत अच्छा है। एंड जो फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूँ इसकी इस ड्रामे को, तो इसमें हाँ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रिग्रेसिव हैं, और हाँ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पे आप कह सकते हैं कि ये चीज़ ऑब्सोलीट होती जा रही है और इन चीज़ों को थोड़ा चेंज करने की भी ज़रूरत है। आई मीन येस दिस इज़ वेरी रोमांटिक एंड दिस इज़ वेरी ओल्ड स्कूल एंड या वी लाइक इट, बट क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कोई ड्रामे हम ऐसे भी बनाएं कि जिसमें लड़की इतनी बेवकूफ़ और इतनी सिली ना हो, और इतनी यंग गर्ल मीट्स दिस ओल्डर सीरियस डूड वाला जो कनेक्शन है इसके अलावा भी कोई केमिस्ट्री हो और फिर भी उसकी कोई ओल्ड स्कूल वैल्यू हो। क्या पहले ज़माने में इंडिपेंडेंट औरतों को मोहब्बत नहीं होती थी, या हम लोगों के जो प्रीवियस जनरेशन है उसमें क्या इंडिपेंडेंट और आई डोंट नो इंटेलिजेंट औरतों को वो इस तरह की मोहब्बत नहीं हुआ करती थी? बट आई गेस दिस इज ईजियर टू बाय टू एंड दिस इज ईजियर टू लाइक एंड लव एंड इट्स ईजियर टू फील फॉर अ फूल देन इट इज़ टू फील फॉर somebody who's already knowing their cards and already knows how they're going to play it. Please subscribe कीजिए और मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा ड्रामा। Take care, have a nice day, bye.